नमस्कार दोस्तों, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 21 फरवरी 2020, और 21 फरवरी 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HBO, और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मंगोलिया से बाहर हेडेड गूज पक्षी का झुंड बिहार के किस जिला में आया है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम है बार हेडेड, ठीक है, बार हेडेड गूज, और यह पक्षी मंगोलिया से आया है। इसका झुंड बिहार पहुंचा है बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। फोटो में देख सकते हैं यही वो पक्षी है बार हेडेड गूज, और जो कि मंगोलिया से आया है, और भागलपुर के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में पिछले 1 सप्ताह से देखा जा रहा है इस पक्षी का झुंड, और मंगोलिया में बर्फबारी होने के कारण यहाँ पहुंचा है, यानी भागलपुर पहुंचा है। अब दोस्तों, नाम आया है भागलपुर का और मंगोलिया का, तो भागलपुर के बारे में मैंने लगभग बहुत बार बताया है, आज मंगोलिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है मंगोलिया का फ्लैग। मंगोलिया का राजधानी है उलनबटोर और मुद्रा है तोगोर्ग, ठीक है, और राष्ट्रपति है साखियाजिन एल्बोदोर्ज। और यह जो मंगोलिया है यह एक स्थलबद्ध देश है जो कि रूस और चीन के बीच में है, ठीक है। और सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया, और देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलनबटोर है जहाँ देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। मंगोल देश में हिंदू संस्कृति का प्रसार इतना अधिक और व्यापक रहा है कि मंगोल जाति के जन जन के मन में भारतीय महापुरुषों का आदर, भारत के विपुल संस्कृति साहित्य के प्रति प्रेम, भारतीय शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और भारत की भूमि के प्रति पूजा भाव अभी भी विद्यमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित दिल्ली में सीनियर एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की किस कोच के नेतृत्व में सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, उस कोच का नाम है शशि भूषण प्रसाद, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसी के नेतृत्व में सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये शशि भूषण प्रसाद जो है ये बिहार के समस्तीपुर जिला के निवासी हैं। अब दोस्तों, नाम आया समस्तीपुर का, तो चलिए फिर समस्तीपुर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप, और ये रहा आपका समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है, तो देखिए, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, खगड़िया है, बेगूसराय है, और पटना है, उसके बाद वैशाली है, ठीक है। अब नाम आया समस्तीपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों, समस्तीपुर जो है ये दरभंगा प्रमंडल में आता है, और मुख्यालय इसका समस्तीपुर हो गया। अब दरभंगा प्रमंडल में कुल 233 जिला आता है जो कि दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर है। और महान मैथिली कवि विद्यापति जो है ये समस्तीपुर के ही थे, और बिहार को किला मैथिली गायिका शारदा सिन्हा, आप लोग सभी जानते होंगे शारदा सिन्हा को, तो ये भी समस्तीपुर के ही हैं। और समस्तीपुर का प्रमुख नदियां बूढ़ी गंडक, कोसी और बलान है। प्रमुख उद्योग चीनी और जूट और कागज उद्योग है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने AES बीमारी की रिसर्च के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। यह क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन डाला था वीडियो में, तो उसमें से मैंने एक ही संस्था बताया था निमहांस, लेकिन एक और संस्था आ गई है रिसर्च के लिए जिसका नाम है केयर इंडिया, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, निमहांस और केयर इंडिया। निमहांस जो है ये आधुनिक संसाधनों के जरिए AES प्रभावितों का इलाज करेगा, यानी जो AES से पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज करेगा निमहांस। और केयर इंडिया जिस इलाके में AES फैला हुआ है उस इलाके में AES के कारणों का पता लगाएगा। और निमहांस का फुल फॉर्म मैंने उस दिन भी बताया था, चलिए आज भी बताता हूँ, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है। और AES का फुल फॉर्म होता है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है। और इस बीमारी का प्रमुख केंद्र दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला था बिहार में, जहां केयर इंडिया की टीम 6 प्रखंडों में पीड़ित बच्चों का मेडिकल हिस्ट्री तैयार कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जाएगा जिसका नाम है पुलिस दीदी, ठीक है, पुलिस दीदी, ए ऑप्शन सही हो गया। और इस ऐप के जरिए आपातकाल की स्थिति में महिलाएं कहीं से भी मदद ले सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो पुलिस सप्ताह का आयोजन दोस्तों किया जाएगा 22 से 27 फरवरी तक, सी ऑप्शन इसका सही हो गया।
और इस बार का पुलिस सप्ताह जो मनाया जाएगा उसमें कुछ नए नए चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि पुलिस सप्ताह पर पहली बार, ठीक है, सभी एसएसपी और एसपी को एक एक गांव गोद लेने का निर्देश दिया गया है और गोद लिए गांव में जाकर एसएसपी व एसपी स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे तथा प्रेरित करेंगे यानी मोटिवेट करेंगे। और पुलिस सप्ताह में पहली बार खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम पानी में अधिक धान उत्पादित करने वाले धान की कौन सी नई नस्ल विकसित की गई है? तो धान की दो नई नस्ल विकसित की गई है बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा, उसका नाम है स्वर्ण शक्ति धान और एक है स्वर्ण समृद्धि धान। तो ए बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि पटना में है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है और इस नस्ल को बिहार सहित 7 राज्यों के लिए जारी कर दिया गया है। बिहार के अलावा इस नस्ल की धान की खेती उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया गया है दोस्तों 20 फरवरी के दिन, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस जो मनाया जाएगा इसका 2020 का थीम क्या है? तो 2020 का थीम है क्लोजिंग द इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के किसानों के अनाज को राष्ट्रीय मंडी में भेजने के लिए बिहार से कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी? तो किसान रेल चलाई जाएगी, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिंगिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी मिली है? तो भागलपुर जिला में, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का रिविजन का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट किस जिला में खोलने को मंजूरी दी गई है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं चैनल पे, और वीडियो को जरूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक से डायरेक्ट आप खबरी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहाँ पे प्रतिदिन यानी खबरी एप्लीकेशन पे प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो शाम में अपलोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको नए नए पोस्ट मिलेंगे करंट अफेयर्स का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।